दिया है। ये रहेगा तो ए में बदल देंगे, वो रहेगा तो ओ में बदल देंगे, भी रहेगा तो आर में बदल देंगे, भी रहेगा तो अल में बदल देंगे। दूसरी संधि है वृद्ध स्वर संधि, जिसका सूत्र है वृद्ध रेच आया की बान ए अथवा ओ आते हैं तो क्रमशः ए का है और ओ का हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए उदाहरण से, सदा धन एव है सदैव बन जाएगा और बन धन औषधि है बन औषधि बन जाएगा। बन में सदा में अ है, इस साइड में अ या आ होना चाहिए और इधर अगर ए है और अ है तो दोनों को ए में ही बदल दिया जाएगा। जैसे सदा धन ए है तो सदैव हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा, सदैव में हो जाएगा। और उसी तरह बन धन औषधि में इधर अ है, यहाँ पर अ निकल रहा है, बन में अ निकल रहा है और यहाँ पर औ है तो इसको हम परिवर्तित करेंगे औ में, तो ये बनेगा बन औषधि। उसी तरह अगर मान लीजिए जल धन ओघ है, जल धन ओघ है तो ओ का भी हम औ में ही बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, जल ओघ, हमेशा औ की मात्रा लगेगी और उसमें ए की मात्रा लगेगी। यह वृद्ध संधि की पहचान है, हमेशा ए की मात्रा रहेगी और हमेशा औ की मात्रा रहेगी। क्या आपका वृद्ध स्वर संधि है? आज हमने आपको तीन संधियां अभी तक बताई, गुण संधि, वृद्ध दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि। इसको अपनी कॉपी में लिखकर पुनः तैयार करें।